बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अही चिकन कौरमा रेसिपी बनाने लगे। चिकन कौरमा रेसिपी बनाने वास्ते है असी टमाटर, हरिया मिर्चा ते प्याज नू धो लवेंगे। सब तो पहला मसाला जात अही धो के कट लेने, ते नाल असी मसाला जात दूसरे जिहड़े सुके ने खुश्क मसाला जात वह भी रख लेने। अदरक ते हरा धनिया गार्निश वास्ते कट के रख लिया कोल। जरूरत दीआं तमाम अशिया करीब करके रख लिया ने चुल्हे ते। अदरक लसन का पेस्ट बना के रख लिया असी। ते 6 किलो दी कौरमे वास्ते ही है आयल गर्म कर लिया चुल्हे ते चढ़ा के। सब तो पहला आयल दे विच प्याज शामिल करांगे। यह तकरीबन 1 किलो के करीब प्याज है। 1 किलो तो थोड़ा कम होना, 3 पाव होना तकरीबन। प्याज में थोड़ी देर तक लिए पकाया है ताकि इसकी स्मेल वगैरह खत्म हो जाए। प्याज ये बिल्कुल हल्का जहा सुनहरी होया है, तो ये गोश्त ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हरी मिर्चा शामिल कर देंगे बिच। जीरा 2 चम्मच, दालचीनी, तेज पत्ता, दो चम्मच लाल मिर्च, पिसा हुआ सका सुखा धनिया, हल्दी बिल्कुल एंड दे विच पाई है मैं इस, क्योंकि हल्दी पहला अगर डाल दो तो हल्दी नाल जिहड़ा ना सालन थले लगता है, हल्दी इस वास्ते एंड दे पाई है। Thank you.
कवर करके तो रख देंगे, हल्की आंच पर पकावे इन ढक्कन उठा के चेक करा, चमच हिला के चेक कर लाँगे थले तो नहीं लग रहा क्योंकि अग की जी है लकड़ की अग है तेज़ होंगी है जरा, यदि हल्की आंच की जो पता नहीं लगता लग जाता, गोश्त ज़्यादा भी नहीं हिलाना ताकि ये टुटे ना गोश्त, अगर ज़्यादा हिलाओगे तो गोश्त टुट जाएगा। दही ऐड कर देंगे ये आधा किलो के करीब तकरीबन दही है, ऐसे नाल दही पाने वाला है कि ग्रेवी थोड़ी जी है ना मसाला जोड़ा बड़ा बेहतरीन रंग भी कलर भी यदा हो जाएगा और दूसरे नंबर पर जोड़ा ना मसाला जोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। दही पाने तो बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट होर पकावे हल्की आँच से, बिल्कुल हल्की आँच से, चम्मच में तुम देख रहे हो बिल्कुल हल्का हल्का जोड़ा हिला रहे हैं ताकि गोश्त टुटे ना। गोश्त अलहमदुल्ला साड़ा बिल्कुल तैयार हो गया और माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर आया ये, गार्निश वास्ते मैं अदरक थोड़ा जहा हरा मिर्चा तो हरा धनिया कट के रखे थे इनू उपर लगा देंगे। व्यूअर्स वीडियो साड़ी अगर अच्छी लगे तो इनू लाइक तो कमेंट लाजमी करो, अपने कमेंट दे दस्यो साड़ी वीडियो तुहानू कैसी लगी, साड़ी रेसिपी कैसी लगी, तो नाल साड़े चैनल जरूर सबसक्राइब करो, सबसक्राइब करन दे नाल नाल बैल आइकान दे बटन जरूर प्रेस करो ताकि साड़ियां लेटेस्ट आने वाली वीडियो जिन्नियां भी ने वो तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। ऐसे दे नाल सानू दिओ इजाजत, अल्लाह हाफिज़।